और एक गाड़ी भी थी। एक सरदार उनकी अगवानी कर रहा था। शक की कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हें ये सब किसने बताया? मुझे मुझे ये सब एक गुलाम ने बताया। क्या वो अपने महल में है? नहीं, जब वो वापस आया तब आपको मरहूम शहंशाह के तख्त पर बैठा पाया। उसने मुझसे गिड़गिड़ाकर कहा कि वो इस शहर से दूर एक मामूली सी गडेरी की जिंदगी जीना चाहता है। मैंने उसे वो इजाजत दे दी। अगर उसे बड़ी मांग भी करता तो भी मैं उसे जरूर पूरा करती। बेचारा, वो बहुत ही नेक और एक अच्छा गुलाम था। वाक्यात की जो कड़ियां मेरे जहन में उभर रही है उनको मद्देनजर रखते हुए मेरी जिंदगी के हालात तुम्हें बताना मेरे लिए लाजिम हो गया है। मेरे वालिद पोलिबस कोरंथियन थे और मेरी वालिदा मेरोपे डोरियन थी। मेरी परवरिश बहुत ही अच्छे ढंग से हुई, लेकिन एक दिन अजीब सा वाक्य हुआ, या ये कहूँ कि उस वाक्य को मैंने ही जरूरत से ज्यादा अहमियत दी। वाक्य ये था कि एक रोज मैं चंद दोस्तों के साथ सगले मेनुशी में मशरूफ था कि एक दोस्त ने शराब के नशे में थूत होकर कहा, तू पोलिबस का बेटा नहीं है, तू पोलिबस का बेटा नहीं है, तू पोलिबस का बेटा नहीं है, तू पोलिबस का बेटा नहीं है। इस वाक्य से मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया और अगले ही रोज मैं अपने वालिदैन से मिलने पहुंचा। जब मैंने उनसे हकीकत दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा, किसकी ऐसी मजा जो ऐसे बेबुनियाद किसे कहता फिरे। इस बात से मेरे दिल को कदरे सुकून नसीब हुआ, लेकिन फिर भी एक अजीब सी खलिस दिल में बाकी रही, या यूं कहूं कि ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। मैं अपने वालिदैन को बताए बिना ही पाइत हो गया और वहां से भी नाउम्मीद लौटा। अपने सवाल के जवाब की बजाय मुझे बहुत ही तकलीफ दे और खौफनाक किस्सा सुनने को मिला। तू अपनी वालिदा से शादी करेगा और अपने वालिद को मौत के घाट उतारेगा। तू अपनी वालिदा से शादी करेगा और अपने वालिद को मौत के घाट उतारेगा। तू अपनी वालिदा से शादी करेगा और अपने वालिद को मौत के घाट उतारेगा। तू अपनी वालिदा से शादी करेगा और अपने वालिद को मौत के घाट उतारेगा। और मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस तरह की किसी भी वारदात को अंजाम नहीं होने दूंगा और मैं कोरिंथ से फरार हो गया। गर्दिश आफाक मुझे उस जगह ले आई जहां लायस की जिंदगी मौत के आगोश में सो गई। मैं सच कह रहा हूं योकास्टा, जब मैं वहां पहुंचा जहां तीन रास्ते मिलते हैं, मैंने एक घोड़ा गाड़ी देखी और उसकी अगवानी करता हुआ एक सरदार। और जब मैं उनके करीब पहुंचा तो सरदार ने मुझे बहुत ही बदतमीजी और बहरहमी से रास्ता छोड़ने के लिए कहा। उसके मालिक ने तो तौहीनियत की हद ही पार कर दी। उसने मुझ पर एक हथियार से वार करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझ पर वार करता उसके पहले ही मैंने एक डंडे के वार से उसको मौत के आगोश में सुला दिया। और गुस्से के आवेग में मैंने उसके बाकी साथियों को भी मौत की नींद सुला दी। सच कह रहा हूं योकास्टा, यदि उस मकतूल अजनबी की रगों में बहने वाला खून लायस का था तो मुझसे बदनसीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। वो मैं ही होगा जिसका कोई नामो बयान नहीं लेगा, जिसे कोई पनाह नहीं देगा। मैं गुनेगार, मेरे हाथ गुनेगार है, इन हाथों ने उसकी शरीक हयात को छुआ। सच के रहो योकास्टा, मैं अपने वालिदैन से दूर, अपनी सरजमी से दूर सिर्फ इसलिए चला आया ताकि जिंदगी अता करने वाली वालिदा को बीबी ना बना सकूं और अपने वालिद मोहतरम पोलिबस के खून से अपने हाथ ना रंगूं। कौन है वो जालिम देवता जिसने मेरी ऐसी तकदीर लिखी? ए आसमानी ताकतो, मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आने से पहले ही मुझे सफाए हस्ती से मिटा दो।
शहंशाह हुजूर, आपके अल्फाज बहुत ही भयानक हैं, लेकिन आपको गवाह के मुंह से सच्चाई सुनने से पहले ही नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। प्यार भी नहीं उठाया हमने और हमारे वालिद मोहतरम पॉलीबस आप दिन सो रहे हैं।
क्या हुआ उन परिंदों का? क्या वो भी हमारे वालिद की तरह मुर्दा कब्र में दफन है? हम तो बेवजह ही अब तलक इन बेबुनियादी बातों से खौफ ज्यादा रहे। कैसा खौफ? कीड़ी पर जैसे इंसान को खौफ से क्या काम? हमारी जिंदगी हादसात का मजमुआ है, फिर क्यों गम को आसपास भटकने दिया जाए? क्यों ना हंसी खुशी जिंदगी के शब वो रोज गुजारे जाए? जिंदगी की रंगीनियों से लुत्फ़अंदोज़ होना है तो ऐसी बातें भूलनी ही पड़ेगी।